नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित निकेतन अनिल जोशी आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान संसार में। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे कुछ छोटे छोटे वास्तु टिप्स के बारे में जिसे अपना करके आप अपने घर की सुख शांति को तथा समृद्धि को और भी बढ़ा सकते हैं। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि हमारे घर के बाथरूम के बारे में। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम जब नया घर बनवाते हैं तो हम ये चेक नहीं करते कि हमारा बाथरूम किस दिशा में होना चाहिए या फिर किचन कहाँ होना चाहिए। यह हम अक्सर चेक नहीं करते हैं, हम देखते नहीं, इस बारे में हम अपना ध्यान देते नहीं हैं। परंतु दोस्तों, यही जो है वास्तुशास्त्र इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से बना हुआ है कि हमारे घर में किचन कहाँ पर होना चाहिए, घर का बाथरूम कहाँ होना चाहिए, घर का बेडरूम कैसा होना चाहिए, घर का मंदिर कहाँ होना चाहिए तथा घर में किस जगह पे आपका जो बेडरूम है वो होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं बाथरूम की। यदि आपके घर में बाथरूम जो है वह गलत दिशा में बना हुआ है तो सबसे पहले आप उसे तो ठीक नहीं कर सकते, लेकिन आप हो सके तो एक कटोरी में थोड़ा सा नमक ले करके उस बाथरूम में रख सकते हैं तथा हर हफ्ते आप उस नमक को चेंज कर सकते हो। यानी एक कटोरी में नमक ले लिए और बाथरूम के कहीं भी कोई भी कोने में आप उसे रख सकते हो, खुला नमक, तथा उसे हर हफ्ते या फिर हफ्ते में 2-3 बार उसे आप चेंज कर सकते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों कि यदि आपके बाथरूम यदि गलत जगह पे है तो वहाँ से निकलने वाली निगेटिव एनर्जी जो रहेंगी वो नमक उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, तथा यदि आप उसे आप चेंज करते हो फिर दूसरे 3 दिन के बाद में 4 दिन के बाद आप वहाँ पर नया नमक रखते हो तो फिर से वो आपकी कंटिन्यूसली आपकी निगेटिव एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करते रहेगा और आप उसे बाद में ठंडा कर सकते हो। दोस्तों, दूसरा उपाय छोटे बच्चों के लिए है। यदि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, छोटी बच्ची है, और यदि वह किसी भी बात को लेकर जल्दी गुस्से में आ जाती है या किसी की बात नहीं सुनती, तो दोस्तों यह इसीलिए भी हो सकता है यदि आपके घर में कोई हिंसक प्राणी की फोटो लगी है, तस्वीर लगी है, जैसे कि शेर हो गया या कोई हिंसक प्राणी जो मांस खाता हो, कोई क्रोधित प्राणी होता है। तो दोस्तों, अगर ऐसी फोटो आपके घर में लगी है तो कृपया इसे निकाल दें, क्योंकि इसका जो असर है वो छोटे बच्चों पे जल्दी पड़ता है, क्योंकि हिंसक प्राणी की फोटो से नेगेटिव एनर्जी आती है और वह बच्चे के बॉडी में फ्लो होती रहती है, इसीलिए बच्चे चिड़चिड़ापन करते हैं। तो हो सके तो अपने घर में हिंसक प्राणियों की तस्वीरें न लगाएं। आप चाहे तो घर में हाथियों की तस्वीर लगा सकते हैं तथा दौड़ते हुए घोड़े की तस्वीर आप लगाना आपको लाभदायक रहेगा। दोस्तों, तीसरे टॉपिक जो हमारा आज के वीडियो का है वो है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है आज के ज़माने के लिए, वो है मनी, पैसा। तो जनरली एक समस्या आती है हमारे लिए कि हम पैसे की इनकम तो होती है परंतु हमारे जेब में पैसा रुकता नहीं है, किसी भी कारणवश कोई भी काम से वो खर्चा हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस टॉपिक के थ्रू कि आप अपने इनकम को या अपने जो भी आपकी सैलरी है, आपकी आने वाली कमाई जो है, उसको आप किस तरीके से रोक कर सकते हो ताकि वो अनिश्चित जो कामों में है, फिजूल के जो खर्चे हैं, वो आपसे ना हो। तो इसके लिए पहला उपाय ऐसा है मित्रों कि आप यदि किसी को उधार देना चाहते हैं पैसे, पहली बात तो किसी को भी पैसे आपको सूर्य डूबने के बाद में उधार नहीं देना है। शाम के समय आपको किसी को पैसे उधार नहीं देना है, और सुबह सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त रहता है, सुबह से 6 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक के, आपको सुबह सुबह भी किसी को पैसे उधार नहीं देना है। इससे मित्रों लक्ष्मी जाने का काफ़ी डर रहता है, क्योंकि सुबह सुबह जो रहता है, सुबह एवं शाम के समय लक्ष्मी के आने का समय रहता है, और यदि आप उसी समय में किसी को लक्ष्मी उधार देते हो तो लक्ष्मी हमसे रुट जाती है और वो अपने पैसे जो है वो फिजूल कामों में ज़्यादा खर्चा हो जाते हैं। तो दोस्तों, कोशिश करें कि किसी को भी पैसे उधार देना हो तो शाम को और सुबह ना दे, दोपहर को आप दे सकते हो। दोस्तों, जनरली हमारी आदत रहती है कि हम हमारे जहाँ पे आप पैसे रखते हो, हमारे गले में हो या गोदरेज में या अलमारी में, हम जहाँ पे पैसे रखते हैं हम वहाँ पे किसी न किसी भगवान की तस्वीर या फोटो या मूर्ति हम उस गले के अंदर में रख देते हैं। तो दोस्तों, यह बहुत ही गलत है। कभी भी अपने गले में या जहाँ पर भी आप पैसे रखते हो वहाँ पे भगवान की कोई फोटो न रखे। वहाँ पे सिर्फ आप 2 चीज़ रख सकते हो, एक तो आप लक्ष्मी यंत्र से रख सकते हो, या फिर आप सिर्फ वहाँ पे कुबेर जी की मूर्ति वह रख सकते हो। बाकी अगर आपको कोई भगवान की फोटो अपने गले में या आप जहाँ पर भी पैसे रखते हो वहाँ पे आपको रखना नहीं है। इससे दोस्तों कभी भी भगवान की जो स्ट्रेट नज़र है, सीधी नज़र अपने गले में नहीं पड़नी चाहिए, और आपको भी ध्यान देना है कि अपने गले में किसी भी भगवान की तस्वीर नहीं होना चाहिए।
सिर्फ दो भगवान को छोड़ के, सिर्फ लक्ष्मी माता जी का यंत्र आप रख सकते हो, कुबेर यंत्र रख सकते हो, और आप कुबेर भगवान की एक फोटो जो है या मूर्ति आप अपने गले में रख सकते हो। दोस्तों भूल कर भी अपने गले के आसपास या गले के गले में, यदि आप अलमारी में पैसे रखते हो तो अलमारी के ऊपर या नीचे ड्रॉर में आप परफ्यूम ना रखें, क्योंकि परफ्यूम से ऐसा है दोस्तों कि खुशबू जो होती है, खुशबू से पैसे जल्दी बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, इसीलिए अपने पैसे जो है फिजूल कामों में खर्चा हो जाते हैं। तो दोस्तों कोशिश करें कि आपके गले के आसपास परफ्यूम ना हो, कोई भी महकने वाली चीज ना हो, और अपने यदि आप अलमारी में रखते हो पैसे तो अलमारी के ऊपर भी परफ्यूम की बॉटल ना हो, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा।